हे व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर वीडियो टॉपिक जिसके बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स एंड कन्फ्यूजन हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारे, कोई पूछ रहा है 79 पॉइंट्स है क्या हमारे चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, कोई पूछ रहा है हमारे 43 पॉइंट्स है तो हमें क्या, कहाँ पे क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और किसी की तो कैटेगरी वाइज कन्फ्यूजन्स है कि EWS की या SC उन सब की क्या रिजर्वेशन है। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन कंबाइन में लिए हैं, आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखिए, देन हम अलग अलग चीज़ों को समझ लेते हैं, रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं, पिछले साल क्या रिजर्वेशन थी, उसमें कोई चेंज तो नहीं हुई है, एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कितनी सीट्स को इंक्रीज किया गया है एज पर द टेंटेटिव कैलेंडर JJK बोपी ने ई ब्रोचर में शो किया है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको क्या फी वहाँ पे कुछ पे करना है, एंड अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो क्या वहाँ पे आपको कितना पेमेंट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन थी डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज की वो लास्ट ईयर जो थी वही सेम इस बार भी है, उसमें कोई चेंज नहीं लाई गई है, जिसमें ओपन मेरिट का 50% है, SC कैटेगरीज का 8% है, देन उसके बाद ST का 10% है, OSC का 4%, ALC या IB का भी 4%, RBA का 10% है, PSP वालों का 4%, एंड देन EWS की कैटेगरीज वालों का 10% है, फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन आते हैं उनकी 4% रिजर्वेशन रखी गई है। अब हम बात करते हैं जो टेंटेटिव सीट्स थी BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में लास्ट ईयर वो क्या थी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1000 थी, जिसमें 21 कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया था। उसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू, जिसकी सीट कैपेसिटी 60 थी, एंड बाकी भी आप वन बाय वन करके देख सकते हैं 21 कॉलेजेस फुली इंक्लूड हुए हैं। वही अगर बात करें लास्ट ईयर की जो टेंटेटिव सीट्स थी BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अलग अलग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की, चाहे वो BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनका अपना नंबर ऑफ सीट्स था। देन हम बात करेंगे वो BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्सेज इन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें सबसे पहले राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जम्मू आता है, जिसका इनटेक 60 था, एंड देन BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक भवन जम्मू, और उसका भी इनटेक 60 था, एंड वन बाय वन अब बाकी स्टीफन एंड बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का था 40%, एंड टोटल जो नंबर बनता था डेट वॉज 220। दिस वॉज अबाउट द प्रीवियस ईयर। अब अगर हम इस साल की बात करें तो क्या इंक्रीज हुआ है सीट्स में और कौन से नए कॉलेजेस ऐड हुए जिसकी वजह से सीट्स का फिलअप बढ़ गया है, तो वन बाय वन हम वो देख लेते हैं। बोपी का जो लास्ट ईयर का BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए 22 सीट मैट्रिक्स था, इस बार उसमें 3 और नए कॉलेजेस ऐड कर दिए गए हैं, और उस वजह से टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इस बार 24 है, और उस वजह से 240 सीट्स इंक्रीज हुई है, एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स लास्ट ईयर 1000 थी और इस बार वो 1240 हो गई है। यू कैन टेक अ गैस कि आपके कितने चांसेस है, क्योंकि कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, सीट्स भी इंक्रीज हुई है, तो BSc नर्सिंग टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज जो भी आपका ड्रीम है जिस किसी भी फील्ड में जाना, उसमें जाने के कितने ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। देन वी विल टॉक अबाउट जो 22 सीट्स BSc पैरामेडिकल या फिर BSc टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के बारे में थी, वो सेम लास्ट ईयर 811 थी और इस बार भी वो 811 ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं लाई गई है। एट द एंड जो लास्ट ईयर का टेंटेटिव ई ब्रोचर था बोपी का, उसके मुताबिक जो भी BSc नर्सिंग या BSc पैरामेडिकल कोर्सेज थे उसमें जितने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था उनको कोई भी फी पे नहीं करनी थी, और जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला था उनको 40,000 पर ईयर देना था। बट इस बार इसमें इंक्रीमेंट लाया गया है एज़ पर द टेंटेटिव, जिसमें जो भी BSc नर्सिंग कोर्सेज है या फिर टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज है या BSc पैरामेडिकल, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिलते हैं स्टूडेंट्स को, उनको कोई भी फी पे नहीं करनी, लेकिन जो बच्चे जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है उनको 75,000 पर ईयर देना पड़ेगा। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो होंगे, और आपको यहाँ से ये भी पता चला कि सीट्स इस बार इंक्रीज हुए हैं, तो मे बी कट ऑफ काफ़ी लो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि कम मेरिट में भी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो मैं आपसे यही कहूँगी, डोंट लूज होप। अगर आपको इस ई ब्रोचर को अपने लेवल पर चेक करना है या फिर आपकी कोई भी रिमेनिंग कन्फ्यूजन्स है जो आप इसको पढ़ के दूर करना चाहते हैं, तो मैं दोनों ब्रोचर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको एसेस कर सकते हैं। एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई विल मीट यू soon in another video. Till then, take care and have a good day ahead, and please don't forget to subscribe my channel for more updates like this.